أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسرے ان سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر وجود میں آنے والے اخوت اور بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے والی تین برائیوں کا ذکر فرما کر اہل ایمان کو ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ پہلی برائی جس سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا وہ ہے مذاق اڑانا، مذاق کسی کا کوئی نہ اڑائے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے گا اس کے سینے میں مذاق اڑانے والے کے تعلق سے بغض اور نفرت جنم لے گی، دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی۔ تو عداوت اور دشمنی کے اس سبب سے بچنا چاہیے۔ مذاق اڑانا زبانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور مذاق اڑانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اشاروں میں مذاق اڑایا جائے۔ جس طرح زبانی طور پر مذاق اڑانا درست نہیں ہے، اسی طرح اشاروں کے ذریعے بھی مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیہ کدا و کدا، صفیہ کی طرف سے آپ کے لیے تو یہ اور یہ بات کافی ہے، تعنی انہا قصیرہ۔ سیدہ عائشہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی خراب کر دے۔ کہتی ہے کہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری، نقل اشارے کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو نقل اتاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں احب ان حکیت انسانا، مجھے پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں،
और मुझे उसके बदले में इतनी और इतनी दौलत दे दी जाए, तो इतनी और इतनी दौलत भी मुझे अगर मिले नकल उतारने के बदले में, तब भी मुझे ये अमल पसंद नहीं है। तो नकल उतारने के जरिए भी किसी का मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बुराई जिससे रोका गया, वला तलमिजु अनफुसकुम, ऐब ना लगाओ, ऐब बुराई की निस्बत करना किसी की तरफ कि फुला ऐसा है और फुला वैसा है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अब यहां बुराई की निस्बत और ऐब लगाने के सिलसिले में उसलूब ये इख्तियार किया गया कि खुद को ऐब ना लगाओ, तो खुद को ऐब लगाना कहा गया, तो ये पैगाम देने के लिए है कि मुस्लिम समाज और माशरे में बसने वाले अफराद, या दूसरे लफ्ज़ों में ईमानी उखुवत और रिश्ते की बुनियाद पर जुड़ने वाले अफराद आपस में जसद वाहिद की तरह, एक जिस्म की तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत मशहूर है कि المؤمن للمؤمن كل بنيان يشد بعضه بعضا, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह कि जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत देता है, तो एक इमारत है जिसके हिस्से कई ईंटें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुद को ऐब ना लगाओ, मतलब किसी मुसलमान को ऐब लगाना ये दरअसल खुद को ऐब लगाना है। तो मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह अपने आप को समझे, मतलब नफी तबादी मतराहमी मतहातुम का मतलब जसद, आपसी मोहब्बत रहम और शफकत में मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। तो एक जिस्म है, दूसरे को लगाना गोया के खुद को लगाना, तो एक बात तो ये कही गई। दूसरी बात इस सिलसिले में ये कही गई कि खुद को लगाने के अल्फाज इस्तेमाल इसलिए किए गए कि जब आदमी किसी को ऐब लगाएगा, किसी के ऐब की तशहीर करेगा, तो वो इस बात से महफूज नहीं रह सकता कि दूसरे भी उसका ऐब मशहूर करें, उस पर ऐब लगाए। तो आप लगाओगे, आप पर भी लगाया जाएगा, ना लगाओ और ना तुम पर लगाया जाए, ये पैगाम देने के लिए। तीसरी बात कही, वला तनाबसु बिल अलकाब, लकब मत दो एक दूसरे को। तो लकब किसको कहते हैं? तो लकब किसी खूबी या खराबी की बुनियाद पर वजूद में आने वाली चीज़ है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक की नस्बत से याद किया जाता है, तो ये लकब है वगैरह। जैसे खालिद सैफुल्लाह, कई सहाबा के अलकाब, तो खूबी की बुनियाद पर या फिर खराबी की बुनियाद पर, कोई कमजोरी है अखलाकी एतबार से या खलकी एतबार से, पैदाइशी एतबार से, तो उसकी बुनियाद पर लकब मिल जाता है, लंगड़ा है, काना है वगैरह। तो कहा कि ये नहीं करना चाहिए, जानी है, शराबी वगैरह नहीं करना चाहिए। रिवायत में ये बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो मदीने में ये मुसीबत बहुत आम थी, और एक आदमी के एक दो तीन तीन नाम हुआ करते थे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को उसके नाम से पुकारते तो लोग कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस नाम से मत पुकारे, क्यों? तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो ये जो नाराज होने की बात थी किस लिए, तो लकब देने की बात मशहूर थी, तो असल नाम कुछ और होता था, लोग कई एक अलकाब लगा दिया करते थे। तो इस रिवायत से ये पैगाम हमारे सामने है, और आगे आयत का टुकड़ा भी है कि ये जो बुरे नाम देने और बुरे अलकाब देने की बात है, ये जाहिली मुआशरे की पैदावार है, और जाहिली मुआशरे की पहचान है, ये अहले इस्लाम की पहचान नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि जाहिलियत का ये काम ना करो, बुरे लकब ना दो, बुरे नाम ना दो, और बुरे नाम से आपस में एक दूसरे को मत पुकारो।
तो बुरे नाम से पुकारना क्या है, ये दुश्मनी और अदावत को जन्म देना है, सामने वाले की दुश्मनी मोल लेना है। तो इस तरह से समाज और माशरे में दुश्मनी का माहौल और नफरत का माहौल पैदा करना है। कहा कि नहीं करो, कहा बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है। मतलब ये जो काम है ना, ये फिस्क के काम है, और ईमान के बाद किसी को फासिक कहा जाए, ईमान के बाद कोई फासिक कहलाए, कोई ऐसी हरकत करे कि जिसकी बुनियाद पर फासिक का लकब उसके साथ लग जाए, ये अच्छी चीज नहीं है। ईमान वाले को क्या कहना चाहिए, तो मोमिन ही कहलाना चाहिए, मुकम्मल मोमिन कहलाना चाहिए, कुछ गलत किस्म की निस्बतों का हकदार अपने आप को नहीं ठहराना चाहिए। तो क्या चाह रहे हो, फासिक कहा जाए तुम्हें, नहीं, अच्छी चीज नहीं है ये ईमान के बाद। ईमान के बाद इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। कौमल लम यतुब फऊलाइक हुमुल ज़ालिमून, और जो तौबा ना करें वही जालिम है। तो साफ लफ्जों में पैगाम मौजूद है कि गलतियां हो सकती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती हो जाना महज ये असल जुल्म नहीं है। असल जुल्म क्या है कि गलती की जाए और गलती पर जमा जाए, इसरार किया जाए, तौबा करने से इनकार किया जाए। तो अब ये किसकी सिफत है हमको मालूम है, इसकी तो ये शैतान इबलीस की सिफत है कि बुराई करो और बुराई पर डिटाई का मुजाहरा करो। तो ये सिफत नहीं है, कहा कि जो तौबा कर ले वो जालिम नहीं है। तो गोया कि तौबा करने की दावत दी गई और कहा गया कि अगर गलती ऐसी हो गई है, माफी मांग लो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है, और जालिम होने की जो सिफत है वो तुमसे खत्म हो जाएगी। उल्टा कर कहेंगे तो अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर जालिम हो, और जो गुनाह का काम किया ना वो तुम्हारे साथ चस्पा है और उसका अंजाम भी तुम्हारे सामने आने वाला है। तो ये आयत करीमा थी जिसमें तीन बुराइयों का जिक्र किया गया, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को ऐब नहीं लगाना है, और किसी को बुरा और गलत लकब नहीं देना। ये ईमानी उखूवत और भाईचारगी के खिलाफ है और उसको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह से दुआ की बातों को समझने और उससे काम लेने की तौफीक बरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।